हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो ट्रक ड्राइवर के साथ होने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ पे ट्रक ड्राइवर आज क्या बनाने वाले हैं। आप क्या बनाएंगे आज? मीट चावल बनाएंगे। मीट चावल बनाइएगा। तो देख सकते हैं हमारा प्याज यहाँ कटना चालू हो चुका है। अभी पहले प्याज ही काट रहे हैं। प्याज कितना के जी प्याज इसमें डालिएगा? 1 kg मीट में? मीट में 1 kg नहीं, 750 ग्राम डालेंगे। 750 ग्राम प्याज डालते हैं। तो केजी के हिसाब से डालते हैं? हाँ, केजी के। कितना केजी में कितना केजी प्याज पड़ जाता है? अब 1 kg में समझ जाइए कि 600 ग्राम। 600 ग्राम 600 ग्राम ग्रेवी वाला बनाते हैं कैसे? ग्रेवी वाला जैसा मन करता है उसे। गाइस, हमारा कढ़ाई चढ़ चुका है चिकन के लिए। इसमें फोरन डलाएगा हमारा, देखिए हमारा जीरा मरीच इसमें कढ़ाई में। अच्छा, कढ़ाई में डाल के जीरा मरीच का क्या करते हैं? इसको भूज देंगे, थोड़ा भूज दीजिएगा, थोड़ा टाइट हो जाएगा, उसके बाद गिलास में रख के कूट देंगे। देख सकते हैं हमारे फोरन के लिए मिर्चा तैयार किया जा रहा है। ये हमारा मिर्चा पड़ गया और ये पड़ गया हमारा तेल। तेल कितना डालिएगा इसमें? इसमें डालेंगे 100 ग्राम 100 ग्राम 1 kg में 100 ग्राम तेल पूरा डाल लेते हैं। हाँ हाँ डाल दें। और ये पड़ गया हमारा तेज पत्ता और ये पड़ गया हमारा लहसुन। अच्छा, लहसुन को ऐसे ही डालते हैं खड़े? आप लोग खड़े डाल देंगे उसमें? कोई कोई कुछ कूच के डालता है, आप लोग ऐसे ही डाल देते हैं। ये देखिए हमारा प्याज पड़ रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं गाइस, हमारा प्याज पूरा पड़ गया इसमें। ये हमारा पड़ गया नमक, नमक भी पहले ही डाल देते हैं। अच्छा, गलने के लिए जल्दी गल जाता है ना, इस तरह ज्यादा गैस नहीं लगता है। कितना देर तक ले भूजते हैं प्याज? 5 से 10 मिनट तक। 5 से 10 मिनट तक इसको, जब तक पूरा रेडनेस नहीं आ जाएगा प्याज में, पूरा इसको फ्राई करते रहेंगे। उसके बाद डालेंगे मीट। अच्छा, उसके बाद मीट डालिए, थोड़ा प्याज गल जाएगा। अच्छा, प्याज गल जाएगा तब। देखिए अब इसको कूटेंगे, उसके बाद उसमें डालिएगा। मीट बन जाने के बाद डालिएगा कि बीच में डालिएगा? बीच में डाल देंगे जब मीट पड़ेगा तब। मीट डालने के बाद उसके बाद? अच्छा, काची का मीट है भैया? ये देसिला है। देसिला मतलब देसिला चिकन है ये? हाँ, देसिला है। ये देखिए देसिला मुर्गा का ये मीट है हमारा। अरे, देसिला मुर्गा का तो ज्यादा महंगा पड़ता है आप लोगों को? तो यही पड़ गया 600 के खरीदे। 600 का? 600। बताइए मटन का भाव बिक रहा है? ये देसिला मुर्गा हमारा जो मिलता है पहाड़ी में जंगल में से पकड़ के। अच्छा, जंगल वाला? जंगली मुर्गा। जंगली मुर्गा देख सकते हैं गाइस, सब लोग खाता है व्हाइट वाला चिकन, लेकिन ट्रक ड्राइवर लोग का भी अलग ही मेकिंग होता है। देसीला मुर्गा खा रहे हैं और ये जो चिकन जो मिलता है ये 600 रुपए केजी मिलता है। ये सोचिए इतना महंगा तो मटन मिलता है, मटन भी तो इतना ही महंगा मिलता है, तो मटन क्यों नहीं खाते हैं? खाते हैं, मटन भी खाते हैं। अच्छा, दोनों आपको अच्छा लगता है? सबसे ज्यादा क्या खाते हैं इधर? तो बाहर में हम लोग मटन अधिकतर बनाते हैं। मटन अभी यहाँ पे आज चिकन लाए हैं, देसीला मुर्गा है। अच्छा, देसीला मुर्गा आज लाए हैं। अब ये देखिए हमारा चिकन पड़ने लगा इसमें, पूरा 1 kg हमारा चिकन इसमें पड़ गया। चिकन को इसे कितना देर भूजिएगा? 15 मिनट में हो जाएगा। 15 मिनट में पूरा भूजिएगा। मसाला कब डालिए? डालेंगे 5 मिनट। 5 मिनट बाद मसाला पड़ेगा जब चिकन एक बार मतलब ढकिएगा इसके बाद। देखिए पूरा मिलाइएगा अच्छे से उसको। देखिए आप लोग ज्यादा दिन ट्रक में बिताते हैं, मतलब ज्यादा टाइम रहते हैं, तो घर और कब जाते हैं आप लोग? जाते हैं 15 दिन में, 1 महीना में 1 दिन। हाँ, 15 दिन में 1 महीना में। अच्छा, ये ट्रक जो चलाते हैं इसे पर गुजारा मतलब हो जाता है फैमिली का? नहीं, वो तो ना, पहले जैसा अभी ड्राइविंग थोड़ी, पहले से नहीं रह गया। मंथली इसका कितना रहता होगा? हम लोग का 5000 रुपया सैलरी। 5000 में महीना? 5000 में सोचिएगा इस कैसे गुजारा होगा 5000 में? 5000 में आप लोग कैसे कर लेते हैं लोग गुजारा? वैसा ही इनाम मिलता है हम लोग। अच्छा, इनाम पे रहता है? अच्छा, कैसे इनाम मिलता है? अब कलकत्ता से अगर इधर रक्सौल जाएंगे तो 5000 रुपया इनाम रहता है। इनाम रहता है? अप डाउन कर देंगे। अप डाउन पे मतलब लेके जाइएगा कि टाइम पे होता है? सुने कि टाइम से पहले पहुंचेगा तो इनाम रहता है। कच्चा माल में चलने पे उस पे टाइम? अच्छा, कच्चा माल में इसमें ऐसे रहता है? ऐसे 2-3 दिन में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। टूल टैक्स में भी तो आप लोग को पैसा देना रहता है, तो अपने पास से देते हैं कि? फास्टैग लगा हुआ है गाड़ी में, फास्टैग लगा हुआ है। अच्छा, इसीलिए आप लोगों मतलब सोचिए 5000 में कैसे गुजारा होता होगा। मंथली में आप लोग भर जाते हैं? बीच में मान लीजिए कहीं बारिश वरिश आ गया तो क्या करते हैं? बारिश फिर भी चलते हैं, गाड़ी चलते रहता है, रुकता नहीं है, वाइपर है गाड़ी में। अच्छा, सब चीज सुविधा इसी में लेके चलते हैं? सब सुविधा। मान लीजिए अगर एक आदमी का तबीयत खराब है, एक आदमी चलाना पड़े तो कैसे हैंडल करते हैं?
हो जाता है, हो जाता है। DS4 गाड़ी है इसमें उतना कोई दिक्कत। अच्छा, कहाँ लोड किए हैं आप? चावल लादे हैं। चावल लादे हैं, कहाँ से ला रहे हैं? बर्दवान। बर्दवान से कहाँ गिराइएगा? ले जाएंगे गोपालगंज। गोपालगंज, बर्दवान से गोपालगंज उतना दूर से ला रहे हैं? कितना दिन लग गया? दो दिन तीन दिन लग गया। दो दिन लग गया। अभी यहाँ पे रुके थे लो आप लोग खाना बनाने के लिए? खाना बनाने के लिए। तो खाना बनाने के लिए रुके थे लो, तब तक हम लोग मिल गए, तो सोचे आप लोग को भी कुछ दिखाया जाए, क्योंकि अभी बनाने जा रहे थे तब तक। लोग आजकल बहुत ज्यादा ट्रक ड्राइवर का मेकिंग देखना पसंद कर रहे हैं, तो सोचे हम भी आप लोग को दिखा दें। तो देखिए भी हमारा भैया यहाँ पे चिकन बना रहे हैं, देखा जाए कैसा बनाते हैं यहाँ का चिकन, और यहाँ खाने के बाद आपको यहाँ का टेस्ट बताएंगे कैसा होता है। देखते हैं भैया अभी वहाँ पे एक मसाला मिला रहा है वहाँ पे। ऐसा कौन कौन सा मसाला उसमें गिलास में मिला रहा है? इसमें हल्दी थोड़ा डाल दिए हैं, जीरा मरीच है। देखिए हमारा अभी चिकन भुजा रहा है, पूरा हड्डी छोड़ दिया भैया, पूरा पका दीजिएगा इसे। पूरा भुजाएगा, पूरा भुजाएगा, तब उसके बाद मसाला डालिए। मसाला डालेंगे। अच्छा, अभी मसाला डालेगा कि फिर कुछ रुक के डालेंगे? अभी डाल देंगे, अभी डालेंगे। देखिए हमारा पूरा, मतलब पूरा अच्छे से पका देते हैं कि हल्का भी कच्चा मांस नहीं रहना चाहिए। नहीं, कच्चा मांस तो खाना ही नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, तो इसलिए पूरा आप लोग गला देते हैं। पूरा गला देते। देखिए पूरा अभी हमारा रोगन भी छोड़ने लगा, देखिए साइड में एकदम पूरा तेल तेल हो गया है। चिकन भी देखिए पूरा तेल छोड़ दिया है, चिकन भी हम तो नहीं देखे थे, पहली बार देख रहे हैं आप लोग जो बना रहे हैं इसमें। तो अभी देख सकते हैं अभी मसाला डाला रहा है हमारा, सब मसाला इसी में रहता है क्या? अभी मिक्स हो गया है पूरा, पूरा मिक्स हो गया। अच्छा, गिलास में पूरा मिक्स कर देते हैं? हाँ, गिलास में सब रेडी हो जाता है, हल्दी उल्दी सब सब कुछ। गरम मसाला वो साइड से अलग से डाल? अच्छा, अलग से डालिए गरम मसाला। देखिए हमारा सारा मसाला पड़ गया है। मसाला का मात्रा आप लोग तो कम रखते हैं? बहुत कम, ज्यादा नहीं। मसाला ज्यादा नहीं रखते हैं, कम रखते हैं, कम रखते। बिना पानी डाले ही देख रहे हैं इतना पूरा ग्रेवी वाला हो गया चिकन, वो जल जाएगा सब, वो जल जाएगा। अच्छा, वो अलग से पानी नहीं डालते हैं का इसमें? अब ज्यादा आदमी रहता है तो हम लोग उसमें। अच्छा, ज्यादा सूखा ज्यादा खाते हैं, ज्यादा सूखा खाते हैं। देखिए कैसे सुगंध आ रहा है आपको, क्या बताएं आपको, जबरदस्त सुगंध आ रहा है एकदम इसका। देखिए गाइस, बिना पानी के हमारा जो चिकन बन रहा है ना, देखिए ये कितना जबरदस्त लग रहा है। ये कलर इसका आप देख सकते हैं, बिना पानी वाला चिकन तैयार है, चिकन बढ़िया है, पूरा तैयार है। माने जो छोटा, कोई छोटा मुर्गा नहीं, एकदम ये बड़ा मुर्गा, जंगली मुर्गा। देखिए जंगली मुर्गा का मीट हम लोग आज खाने वाले हैं, जो खाने में आपको बताएंगे टेस्ट यहाँ का कैसा होता है जंगली मुर्गा का मीट। तो गाइस फाइनली हमारा चिकन बन के रेडी हो चुका है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये हमारा चिकन है, देखिए ये देखिए हमारा रोगन, देखिए ऊपर देख रहे हैं, ये ऐसा होटल में भी आपको नहीं मिलने वाला है, देख सकते हैं ये। और ग्रेवी का क्या बात करें आपको, ग्रेवी तो दिखाएंगे आपको, पहले आपको टेस्ट थोड़ा दिखा दें। देखिए कैसे पकाए हैं भैया इसको, एकदम जबरदस्त। ये देखिए, ये है देखिए, ये देखिए, देखिए पूरा हड्डी छोड़ चुका है अच्छे से, ये लेग पीस है हमारा। और ग्रेवी का बात करें तो आप ये देखिए ग्रेवी, आपको होटल में भी आपको ऐसा चिकन नहीं मिलेगा खाने के लिए। देखिए ये ग्रेवी है हमारा, प्याज का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपको, पूरा बारीकी से एकदम गलाए हैं। तो चलिए अब प्लेट लगेगा, अब हम लोग साथ में खाएंगे और आपको यहाँ का टेस्ट बताते हैं कि टेस्ट कैसा होता है चिकन का। तो चलिए प्लेट लगाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ये आ गया हमारा चिकन, बस। तो गाइस फाइनली हमारा चिकन बनकर रेडी हो चुका है, तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं, देसी लैम मुर्गा का बताते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा होता है। चलिए अब टेस्ट करते हैं और बताते हैं। देखिए देखिए पहले ग्रेवी के साथ ट्राई करेंगे, उसके बाद पीस के साथ। ये आ गया हमारा ग्रेवी, देखिए बहुत ही जायकेदार लग रहा है। ये देखिए, ये आ गया फर्स्ट बाइट, वाह क्या टेस्ट है, लाजवाब एकदम, बेहतरीन, जितना बोले उतना कम है। देखिए भैया भी खा रहे हैं, आप भी खा के बताइए टेस्ट कैसा है। पीस के साथ ट्राई करते हैं, ये देखिए ये रहा पीस और ये रहा, क्या बेहतरीन तरीका है लोग बनाने का, मजा आ गया गाइस। अभी फर्स्ट बाइट लिए हैं तब तक इतना टेस्टी लगा, क्या बताएं। चिकन खाना होना तो अगर ऐसा चिकन अगर मिल जाए ना गाइस, तो कहीं नहीं छूटने वाला है। तो चलिए अब खा के इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।